कहते हैं जब प्यार हद से गुजर जाए तो समाज के कोई भी बंदिश उसके आरे नहीं आ सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मुजफ्फरपुर के औराई के प्रेमी जोरे ने, जहां एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहे प्रेमी और प्रेमिका ने भरी पंचायत में ही मांग में सिंदूर डालकर शादी रचा ली। अब मुजफ्फरपुर के औराई में शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी काफी चर्चा हो रही है। वायरल वीडियो के अनुसार ये बताया जा रहा है कि एक साल से युवक युवती एक दूसरे से प्रेम प्रसंग में चल रहे थे। इस बीच मंगलवार सोनू अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर चला गया, जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई और लोगों ने उसे पकड़कर पंचायत किया, जिसमें दोनों की मर्जी से पंचायत में ही शादी करवा दी गई। पंचायत के फैसले के बाद प्रेमी युवक ने भरी पंचायत में ही अपने प्रेमिका की मांग में सिंदूर डालकर शादी रचा ली। मामला औराई थाना क्षेत्र के खेतलपुर का है, जहां आपत्तिजनक हालत में प्रेमी और प्रेमिका को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद भरी पंचायत में शादी करवा दी गई। वहीं भीड़ में एक युवक ने मोबाइल कैमरे में वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि दूल्हा भी है और दुल्हन भी है, चारों तरफ से लोग घेरे हुए हैं। लड़के को मांग में सिंदूर डालने का दबाव भी बनाया जा रहा है। वही घटना के बारे में बताया जा रहा है, औराई थाना क्षेत्र में प्रेमी और प्रेमिका अपने प्रेमिका से देर रात मिलने पहुंचा था। उसे ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसके बंधक बना लिया। एक ही जाति के होने की वजह से एक पंचायत बुलाया गया। जब पंचायत के फैसले और प्रेमी और प्रेमिका की रजामंदी से शादी को लेकर लड़का और लड़का दोनों राज्य से पंचायत के बीच में उसकी मांग में सिंदूर डलवा दी गई। वहीं पूरे मामले पर स्थानीय मुखिया गणेश कुमार का कहना है कि देर रात्रि लड़की के घर में लड़का पकड़ा गया था। लड़की पक्ष के कुछ लोगों ने लड़का को बंधक बनाकर रखा था। सूचना मिले घटनास्थल पर पहुंचकर लड़के को बंधक से मुक्त करा दिया। लड़का और लड़की से पूछताछ की गई तो बताया कि क्या हम दोनों एक साल से एक दूसरे से एक प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। एक ही जाति होने की वजह से दोनों पक्ष शादी के लिए रजामंदी हो गए और दोनों की शादी करवा दी गई। वहीं लड़की काजल कुमारी का कहना है कि एक साल से हम दोनों का प्रेम प्रसंग था और इसी के साथ रहना चाह रहे हैं। प्रेम प्रसंग को लेकर मम्मी पापा भी मुझे प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर मम्मी पापा भी मुझे अपने रिश्ते से दूर कर दिए हैं। जिसके साथ रह रहे आए हैं उसी के साथ अब जीवन यापन करेंगे। किसके साथ शादी की है? सोनू के साथ। मर्जी से है कि जबरदस्ती करवाया है? मर्जी से की। खुश है ना? हाँ। कोई दबाव वबाव कोई दे रहा है? मम्मी पापा चाचा उचा कोई कुछ बोल रहा है? मम्मी पापा नहीं बोल रहे। कोई नहीं बोल रहा है? कोई आपत्ति नहीं है इस शादी से? नहीं। किसके साथ रहोगी? जिससे शादी की उसके साथ। जो पहले से वो लड़का लड़की दोनों चोरी छुपी मिलता था, ठीक है, चोरी छुपी मिलने के कारण माँ उसका पिता रहते हैं विदेश में और माँ गंगा स्नान करने चली गई थी। इस मौका का फायदा उठा करके लड़का ने लड़की के घर चलाया तो उसका चाचा ने क्या किया, जो आपत्ति जनम में पकड़ लिया, दोनों को पकड़ करके बैठा के रखे। जब उसकी माता गंगा स्नान से आई तो उसको सब मिलकर समाज मिलकर के उसको अवैध के रूप में उसको शादी दोनों के करा दिए। यही मामला। दोनों राजी हैं? दोनों राजी। लड़का लड़की दोनों लड़का से भी पूछा गया जो शादी करिएगा तो बोला जो हाँ, लड़की से भी पूछा गया जो शादी करिएगा तो दोनों को शादी करा दिया गया। कब पकड़ा गया था? ये परसों रात की घटना है, 3 बजे में। किनके समक्ष शादी हुई है? शादी समाज के बीच में हुआ। हम लोग से पूछा गया था, हम लोग तो इसका काम नहीं कर सकते, लेकिन आप समाज मिलकर, दोनों एक ही समुदाय से आते हैं और दोनों का दूरी कभी करीब 1 किलोमीटर की अंतर में है। नाजायज रिश्ते को जायज बना देगा, लेकिन फिर बाद में भाग जाता दोनों, इसके चलते अपन उसको अपन